सर, हरियाणा कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं हरियाणा में, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कितना उत्साह देखने को मिले कार्यक्रमों में? देखिए, अभी पीछे सिरसा किया था, हमारी जन आक्रोश रैलियां भी चल रही हैं और कांग्रेस हर घर कांग्रेस भी चल रहा है कार्यक्रम, जनसंपर्क करें उनसे। जैसे सिंबॉलिक तौर पे हमने दीन से शुरू किया था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष नानौल से किया था, सुरौतो कुछ का, और इस तरह कार्यक्रम बने हुए हैं। अभी 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में है कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं जिला के रूप में, तो सारे कार्य जो जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह कैसे लोगों का उमड़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं ना। अरे, लेकिन दीपक जी ने तो कहा कि हम इसको नहीं, वो तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम मैंने बता दिया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रही है। बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करे तो हमारे कोई एतराज नहीं। है या नहीं, क्योंकि अध्यक्ष वो इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई, जहाँ तो मैं पहले भी कहा था, ठीक है, जो भी अपने तरीके से कांग्रेस कांग्रेस होते हैं, इस चीज का इम्पैक्ट जो है बता दिया ना मैं, नहीं नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की कोई मुखालफत थोड़ा कर रहा है, सब कांग्रेस के अपने तरीके से कर जाए। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार जो है सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो क्या संगठन पे कोई बात नहीं, कोई कार्यकर्ता किसी को बनाना चाहता है, अब कोई आपको बनाना चाहेगा दे देना, नारे मेरे को क्या एतराज है, किसी को क्या एतराज है, कोई आपके लगाएगा कोई इसके लगाएगा, वो तो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं। सर, अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जल्द, शायद कल ज्वाइन कर ले। यह किस पार्टी में रहना है, किस में नहीं रहना, उन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नजदीकियां बढ़ रही हैं कांग्रेस के साथ, उससे वो नाराज है। सर, उनको पता होगा जो उन्होंने कहा होगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चंडीगढ़ में इलेक्शन में ये गठबंधन हुआ है, देखने को जो कल मिला, जो हालात थे, जिस तरीके के पवन बंसल जी ने भी इस चीज की बड़ी वो करी, बोले कि डर गए, तो अब हरियाणा में कैसा रहेगा? हरियाणा में तो कांग्रेस सब में सक्षम है, 10 की 10 लोकसभा सीट में बताए ना, वो तो अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस जो है खुद में सक्षम है 10 की 10 लोकसभा लड़ने का और असेंबली के भी चुनाएंगे। जब असेंबली करेगा, आपने बेरोजगारी का मुद्दा काफी उठाया कि आंकड़े भी पेश किए गए बेरोजगारी के हरियाणा में, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगले 2 महीने में 60,000 नौकरियां दे दी जाएंगी पूरे प्रदेश में, तो 9 साल में क्या किया, 9 साल में तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए पूरे देश में हरियाणा। सर, हरियाणा कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं हरियाणा में, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कितना उत्साह देखने को मिले कार्यक्रमों में? देखिए, अभी पीछे सिरसा किया था, हमारी जन आक्रोश रैलियां भी चल रही हैं और कांग्रेस हर घर कांग्रेस भी चल रहा है कार्यक्रम, जनसंपर्क करें उनसे। जैसे सिंबॉलिक तौर पे हमने दीन से शुरू किया था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष नानौल से किया था, सुरौतो कुछ का, और इस तरह कार्यक्रम बने हुए हैं। अभी 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में है कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं जिला के रूप में, तो सारे कार्य जो जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह कैसे लोगों का उमड़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं ना। अरे, लेकिन दीपक जी ने तो कहा कि हम इसको नहीं, वो तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम मैंने बता दिया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रही है। बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करे तो हमारे कोई एतराज नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं, क्योंकि हरियाणा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, हैं किसी के भी वो इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई, जहाँ तो मैं पहले भी कहा था
ठीक है, जो भी अपने तरीके से कांग्रेस कांग्रेस होते हैं, इस चीज का इंपैक्ट जो है बता दिया ना मैं, नहीं नहीं कोई इंपैक्ट नहीं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की कोई मुखालवत थोड़ा ही कर रहा है, सब कांग्रेस के अपने तरीके से कर रहा है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार जो है सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो क्या संगठन पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कार्यकर्ता किसी को बनाना चाहता है, कोई आपको बनाना चाहिए दे देना नारे, मेरे को क्या एतराज है, किसी को क्या एतराज है, कोई आपके लगाएगा कोई इसके लगाएगा, वो तो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं। सर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जल्द, शायद कल ज्वाइन कर लें, मर्जी है तो हर 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 व्यक्ति की अपनी मर्जी है किस पार्टी में रहना है किस में नहीं रहना। उन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नजदीकियां बढ़ रही हैं कांग्रेस के साथ उससे वो नाराज है, सर उनको पता होगा जो उन्होंने कहा होगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चंडीगढ़ इलेक्शन में ये गठबंधन हुआ है, देखने को जो कल मिला जो हालात थे जिस तरीके के, पवन बंसल जी ने भी इस चीज की बड़ी वो करी, बोले कि डर गए, तो अब हरियाणा में कैसा रहेगा? हरियाणा में तो कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, दस की दस लोकसभा बताए ना, वो तो अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस जो है खुद में सक्षम है 10 की 10 लोकसभा लड़ने का और असेंबली के भी चुनाएंगे। सर एक आपने बेरोजगारी का मुद्दा काफी उठाया कि आंकड़े भी पेश किए गए बेरोजगारी के हरियाणा में, मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगले 2 महीने में 60,000 नौकरियां दे दी जाएंगी पूरे प्रदेश में, तो 9 साल में क्या किया, 9 साल में तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँच गए पूरे देश में हरियाणा। हुड्डा साहब, राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, इसके पहले भी आपने धारा 370 के को लेकर के एक अलग रुख अख्तियार किया था, दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा करके आएंगे, तो क्या आपका रुख पार्टी के साथ ही है कुछ अलग नहीं? पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं, जो जो जिस तो अपनी आस्था की सवाल है, तो ये जिस तरीके से निमंत्रण दिया है इस पे नहीं जा रहे हैं, चलो वो तो उनकी वो है, मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं, आपके पास आता तो क्या आप जाते थे? मैं उस हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं, पहले भेजो फिर मैं दे दूंगा जवाब, पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है। पिछले दिनों सर एडी ने बुलाया था आपको 7-7.5 घंटे तक आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें क्या ईडी ने बुलाया था? हाँ फिर क्या, पहले भी बुलाया था, जो भाई वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग देयर इज नथिंग टू हाइड ना मेरे पास है, तो जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। तो ये क्या है, बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है ये राजनीति, दबाव की राजनीति कहा जाता है, ऐसा है, ये उनका काम है और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा मैं। हरियाणा में जो एफपीओ, मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ और इस पे जुडिशी पे मेरा पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला कहना है कि जो जमीन घोटाले आपकी सरकार में कथित तौर पे उसका बारे में सबको पता है, उसके ऊपर बड़ा सा जवाब नहीं, उन्होंने कौन सा घोटाला हुआ ये जमाने सर, कौन सा कथित तौर कौन सा बताए तो सही, बताए सही जब जवाब दूंगा। सर 22 तारीख को जिस तरह से वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने, सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको, मैं क्या करूंगा, मतलब ये कहा जाता है सर कि प्राइवेट भाई बता दिया हमने, एक इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को हमने, समझे, मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात, एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने, समझे। सर हरियाणा में जो एक स्टेट सॉन्ग बनाना था अभी विधानसभा में, उसको लेकर एक कमेटी भी बनी थी, आपने एक वो जिक्र किया था कि वो गोरी नार काली नार वाला शब्द जो है वो हटाया जाना चाहिए, वो कमेटी हटाने पर भी विचार कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं, मेरे पास क्या सॉन्ग है, मेरे कमेटी किसी सदस्य से बात नहीं हुई। सर 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी हरियाणा में सुंदरकांड का पाठ करवाएगी 21 तारीख को, तो कांग्रेस की तरफ से कैसा कार्यक्रम करवाया जाएगा? तो भाई 24 घंटे जो राम के भगत राम बते, सबको विश्वास है राम में, अपनी अपनी आस्था की बात है, कोई पहली दफा होना क्या सुंदरकांड, हमारे बहुत करते रहे हैं पहले। एक सर, एक लोकसभा चुनाव आ रही है, तो क्या अगले महीने से हरियाणा के अंदर रैलियां वगैरह होंगी, क्योंकि कह रहे हैं कि चल रहा है ना हमारे, तो नहीं बड़ी रैलियां केंद्र, हाँ तो चल रही है रैलियां, केंद्र स्तर के नेता चल रही है रैलियां भाई। सर एक आखिरी सवाल है कि
जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात चल रही है, गठबंधन की जो बातचीत चल रही है दिल्ली, किस गठबंधन की? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इंडिया 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 ब्लॉक की। आम आदमी पार्टी के नेता है अनुराग ढांडा, उन्होंने कहा जो स्थानीय नेता है हरियाणा कांग्रेस के, उनको इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, वो केंद्र देखेगा, हाईकमान देखेगा। वो तो वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या है, वो भी तो स्थानीय नेता है। बजट सत्र आ रहा है सर, बजट सत्र आ रहा है, कैबिनेट बुला ली गई है, किस तरीके से देखते हैं बजट को? नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और कर्जा बढ़ा दिया होगा, और बजट में क्या कर्जे में डुबा दिया होगा हरियाणा। कोई सजेशन सर, क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार सजेशन मांगते हैं अलग अलग नेताओं से, सांसदों से, क्या अब तक मांगा है आपसे? क्या ऐसा है इस सरकार को सजेशन देने का फायदा क्या, जब कर्जा ही बढ़ाना है इन्होंने, काम करना ही नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है तो उनको क्या सजेशन देनी है? मैं तो कोई सजेशन देता नहीं। एक सर, जब ये तीन राज्यों के नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, इसके बाद कह रहे हैं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। मैंने कहा ना कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में, और लोकसभा में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, आप देख लें। लोगों ने फैसला करना है, इनने नहीं फैसला करना है।